छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने 3 राज्यसभा सांसद भेजे हैं जो उच्च सदन पहुंचने के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ लौटकर नहीं आए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने लापता सांसदों का पोस्टर भी जारी कर दिया। तो 2 सांसद तो लौटकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए, लेकिन 1 सांसद अब भी नहीं आए, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस बचाव करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की। कांग्रेस ने यहां से केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को राज्यसभा भेजा, जो छत्तीसगढ़ में कम ही नजर आते हैं। इसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर इन सांसदों को लापता बता दिया। हालांकि पोस्टर जारी करने के बाद 2 सांसद प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, लेकिन चुनावी सभाओं और प्रचार में कोई दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आए। छत्तीसगढ़ की जनता को अपेक्षा थी कि वो सांसद इस छत्तीसगढ़ की चिंता करते, वो नहीं करे तो कम से कम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो टीम है, जो उनका संगठन नेतृत्व है, वो कम से कम उनको निर्देश करता कि जिस प्रदेश से आप चुनकर आए हैं उस प्रदेश की थोड़ी बहुत चिंता आप करें, आपके जो फंड्स हैं उन फंड्स का उपयोग भी उस छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करें। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अपने सांसदों का बचाव करते नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि 3 सांसद हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो फिलहाल व्यस्त हैं, लेकिन जल्द ही यहां आएंगे। हमारे स्टार प्रचारक हैं हमारे राज्यसभा सदस्य 3, और वो अन्य प्रदेशों में दौरा करने के पश्चात अपने छत्तीसगढ़ अपने चुनावी क्षेत्र में भी आ रहे हैं और लगातार प्रचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मैंने कहा कोई मुद्दा नहीं है, तो वो कभी इसको आरोप लगाएंगे कभी इसको आरोप लगाएंगे। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के सांसद उसी जमीन को भूल चुके हैं जिस जमीन से वो उच्च सदन पहुंचे हैं। भूले भटके सांसद रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला तो नजर आते हैं, लेकिन केटीएस तुलसी ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद एक बार भी छत्तीसगढ़ की तरफ मुड़कर नहीं देखा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज़, रायपुर।